really very excited for this cultural program. It's an honor and pleasure to host you all this beautiful evening. So, myself Mihika, myself Kushi, I'm Runmayi, me Mansi, I'm Varad, myself Suman, myself Sylvia, I'm Vibha, I'm Sakshi, myself Vidhi, myself Ravnik. We all will take you on this wonderful journey which we have titled as Unity in Diversity. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा शुभ संध्या. यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत है. भारत में रहने वाले लोग विभिन्न जातियों, धर्मों और मान्यताओं से संबंध रखते हैं. इन सब मान्यताओं में मतभेद होने के बावजूद एकता परस्पर शांति, प्रेम और सद्भावना बनाए रखने में सक्षम है, और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम. सन्मान्य अतिथि आणि माझे मित्र मैत्रिणींनो, आज आपल्या या वार्षिक महोत्सवात मी तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. आजचा सांस्कृतिक कार्यक्रम फक्त एक निमित्त आहे. खर तर तुम्ही इथे जमले आहात आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी आणि आमचा उत्साह वाढवण्यासाठी. दरवर्षी प्रमाणे ह्याही वर्षी आम्ही काहीतरी विशेष करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि आम्हाला आशा आहे की ते तुम्हाला नक्कीच आवडेल. तर चला पाहूया आजचा सांस्कृतिक कार्यक्रम जिथे अनेकतेमध्येच एकता आहे. इन क्रुशियल थिंग्स युनिटी, इन इम्पॉर्टंट थिंग्स डायव्हर्सिटी, इन ऑल थिंग्स जेनरॉसिटी. गुड इवनिंग टू ऑल प्रेझेंट टुडे ऑन दिस व्हेरी स्पेशल ओकेजन ऑफ अॅन्युअल डे. We at Petrochemicals Vidyalaya are proud to celebrate this day for yet another year. So ladies and gentlemen, the stage is set, the band is playing our theme song, and the waiting staff are preparing to take your orders. It's a superb welcome fit for royalty, and that's what you are to us. So let's visit this cultural carnival arranged by our school. सारी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहाँ भगवान के रूपों में विविधता है. जिसकी जैसी श्रद्धा है उसी रूप में वो भगवान को देखते हैं, उन्हें पूजते हैं, और यही संदेश देती है हमारी भारतीय संस्कृति. इसीलिए भारत में भगवान के एक तो नहीं कई रूप देखने को मिलते हैं. इन सभी रूपों में सबसे लोकप्रिय है विघ्नहर्ता श्री गणेश का रूप, महादेव और पार्वती के पुत्र, विद्या और कला के दाता श्री गणेश. Ganesha is the god of wisdom and success. Traditionally, Ganesha is also called as Vighnaharta, the remover of obstacles, or Sukhakarta, the god of new beginnings and goodwill. हमारी परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से की जाती है. तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस नृत्य के साथ जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं छठी ब कक्षा के विद्यार्थी, जिसके बोल है जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा. Wow, what a wonderful performance. Now, let's move on. What are you holding in your hand? This is a simple geometric shape used as a prop which enhances the performance, ambience and adopts to the story, drawing attention of the audience. You know, I think India is like a huge garden where all her cultures are depicted as flowers. These flowers come together to add glory to the garden called India, and just as all the different cultures come together to form one country, India. And what about these colors? Every color has its own significance. Like dark red color shows shows aggression, and bright yellow color shows happiness and prosperity. So these colors connect me with my country as a prosperous and happy life is lived by all the Indians even after all this diversity. Yes, and to show this unity through props and colors, I would like to invite the students of class 7. Da da de da ni na dir dir ta ni ta da ni to da da de da ni to da na 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 to da da re da ni to da na 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 to da da re da ni na dir dir ta ni ta da ni to da da
अरे विभा, ये तुम क्या गा रहे हो? तराना, क्या तुम्हें पता है? तराना मतलब? तराना सरगम की एक रचना है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी में गाई जाती है। वैसे तराना विभिन्न तालों में गाया जाता है, किंतु तीन ताल में अधिक सुनने में आता है। इसमें तबला तथा मृदुंग के बोल और कुछ फारसी भाषा के शब्द भी प्रायः मिले रहते हैं। तराने का सारा आनंद राग और लय का रहता है। आमतौर पर तराना मध्य लय में शुरू करके द्रुत लय में समाप्त किया जाता है। इसका अधिक काम द्रुत लय में ही मनोहर मालूम पड़ता है। तराने में लयकारी के बड़े बड़े कमाल दिखाए जाते हैं। तराना सरगम इत्यादि हमारे संस्कृति के धरोहर है और इसे आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा सातवीं के विद्यार्थी। What a lovely performance! Now, taking this journey ahead, we would now proceed towards the next presentation. Parenting is the process of promoting and supporting the social, emotional, physical, and intellectual development of a child from his infancy to adulthood. Parenting refers to the intricacies of raising children and is not exclusively limited to the biological relationship. We often see parents protecting their children who are provided with all amenities where they are not exposed to much hardships and challenges. However, each one of us have to face difficulty in our life, and if we are not well prepared for it, there is frustration and disappointment. Here, the children of class 8 are going to present before you how in early life itself, the teenage boys are capable of shouldering any kind of responsibility and would stand by their ailing sister, providing her support in all manners. Johar. What's that? I said hello in Chhattisgarhi. Oh. Now, let me take you to the central part of India, Chhattisgarh. The Chhattisgarhi culture is immersed with varieties of dance forms, primarily due to the number of tribes residing in the vast expanse of this state. Due to the contribution of these tribes, they perform very different types of dance forms. The most of the dance forms performed as a part of rituals and in reverence to God and are also season specific. In the present context of economic development, we may call these people poor, but they are really rich people because they live in the vicinity of nature and they derive joy and happiness from their rich cultural heritage. Sarguja is a district in the state of Chhattisgarh in India. The people of Sarguja perform various types of dance forms and they have some particular types of dances too. We are now going to see such kind of dance performed by the students of our class 8. A mesmerizing performance. Thank you, Suman, for throwing light and enhancing our knowledge on Chhattisgarhi. You're most welcome, Mansi. So what's next now? It looks like you're very excited to continue this journey. Dance. Dance is a divine art form. India has always been a land of diversity. One of these dance forms happens to be Shiva Stuti. It is a celestial dance. It is the divine dance performed by the Lord Shiva. It is described as the cycle of creation, preservation, and dissolution. Now let us have the glimpse on the divine Shivasuti performed by the girls of class 8. ठीक है, मैं बता देता हूँ। 14वीं सदी दक्षिण भारत में विजयनगर नामक एक साम्राज्य था जिसके राजा थे राजा कृष्णदेवराय। वह खुद एक ज्ञानी व्यक्ति थे और दूसरे ज्ञानी व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कार भी देते थे। एक दिन तेनालीरामा नामक व्यक्ति उनके दरबार में हाजिर हुआ। वह उसके योग्यता अनुसार पुरस्कार पाने हाजिर हुआ। अरे मानसी, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताने जाऊँ तो रात निकल जाएगी। इससे अच्छा ये है कि हम एक नाटिका देख लें।
तो हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटककार तेनाली रामा कक्षा छठी के छात्र। And I thank class 6 for entertaining us and showing us how the fruits of wisdom are sweet. What are you listening to? Sorry? I asked, what are you listening to? Oh, I'm listening to my favorite songs. Let me check. Yes. It's so loud. Don't you know what real music is? Music is the mediator between spiritual and sensual life. Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. Call to your mind that you cannot touch music, but music can touch you. It is the world within itself. With a language we all can understand. Bharat, don't you know that not only laughter, but music is also the best medicine? Yes, I guess so. Music is most powerful and often has an emotional effect on people. Some of the ways that music helps patients is by it boosts their immune system and reduces their blood pressure. Life without music is miserable. Music has always been an important part of Indian life. Let it be the late night DJs that hits you or the soft guitar that touches you. Moving on to the classical, now let us listen to a song Gaya Ja, which is originally composed by Dr. Salil Kulkarni and sung by Mahesh Kale and Kaushiki Chakraborty, daughter of Pandit Ajay Chakraborty. This winsome song is cherished with different ragas and genre of music like traditional, folk, classical, last but not the least, a little western touch. Now I would like to request the students of Petrochemical Vidyalaya to present before you an alluring song, Gaya Ja. Okay, now let's showcase the southern part of India where we come across various dance forms and one of the globalized festival is Onam. The predominant feature of Onam is boat race, which is popular in Western world. Then why not blend our Indian and Western culture? So let's see what kind of blend the students of 9 have for us. सोनिया नाल पहचान यारों कदर बोलियां बस वे नहीं हो हटता नचनो यारा दा यार दोस्तों पावे पालवो जिन्नी मर्जी दुहाई दोस्तों पावस्ती जी But eventually, it became one of the most renowned dance form that ever originated. And today, it survives in many different forms and styles. It is one of the most significant traditions of the Punjabi culture, as it symbolizes the talent, imagination, potential and charisma of the Punjabis. Springing from the land of five rivers, it abundantly reflects the vigor, the vitality and the hilarity permeated among the rural folk by the promise of a bumper crop. So, now I would request students of 9th standard to present their bhangra. That was indeed a power-packed and awesome performance. We know that man invented technology to make his life comfortable and better, and it became a revolution. Use of technology has affected our life to such an extent that we are literally dependent on it. Technology has also changed the pattern of communication among people, of which social media is the greatest example. ये social media क्या है? शायद इसका जवाब हम सभी जानते हैं. Social media हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. हम में से कोई भी इसके प्रभाव से बच नहीं सका. जाने अनजाने में हम हर एक की जिंदगी इसके अच्छे या बुरे तरीकों से प्रभावित है. इसमें समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. Now I would like to call upon the students of Petrochemicals Vidyalaya with their next presentation. निरंतर घूमता हुआ पहिया और मैं हूँ पहला समय का ही दूसरा रूप जिसे आपने दिए अलग अलग नाम जैसे भोर सुहानी दिन मस्ताना और अंधेरी शाम. आप हमारे संग हैं और हम भी आपके साथ लंबी यात्रा तय करनी है लिए हाथ में हाथ. हाँ हाँ थोड़ा सुनो समय तुम इतना तेज ना चलो. रफ्तार के साथ आगे बढ़ना मेरी प्रकृति है मैं उसे निभाता हूँ. मुट्ठी में भरी रेत सा हूँ देखते ही देखते हाथ से निकल जाता हूँ.
इसीलिए आजकल सब कहते हैं समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे कैसे पता चलेगा, ये कहने वालों ने अपने आप को प्रकृति से दूर जो कर लिया है। अर्थात मैं कुछ समझी नहीं। देखो मेरी यानी समय की गति वही है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सारे ग्रह नक्षत्र और सभी सितारे अपने नियमानुसार चल रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त भी नियमित हो रहे हैं। आम की गुठली बोने के बाद आम का ही पेड़ आता है, अमृत या जामुन का नहीं। मछली पानी में ही तैरती है, पेट्रोल दूध या डीजल में नहीं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ यानी शुरू से ही समय या प्रकृति अपने नियमानुसार चल रहे हैं, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है और कैसे? जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, समय की परवाह नहीं करता, तब गड़बड़ होती है। ये 21वीं सदी है ना? 21वीं सदी की बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। इससे जितने फायदे गिनाए जाए उतने कम। समझदार लोगों के लिए यह एक वरदान है, किंतु ना समझो के लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए ये एक अभिशाप साबित हो रहा है। हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, किंतु पहले ऐसी स्थिति तो नहीं थी। प्रातः काल उठते ही लेते थे प्रभु का नाम, मेहनत करते दिन ढल जाता और हंसते गाते शाम। कैसे, आइए देखते हैं। इंटरनेट एक माचिस की तिली की तरह है, इससे आप दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं, भोजन भी पका सकते हैं या घर को आग भी लगा सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप इसका कैसा उपयोग करते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। बेला, लोग कहते हैं कि उनका समय अच्छा या बुरा जाता है, परंतु समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। लोगों की सोच और उनके कर्मों के कारण उनका समय अच्छा या बुरा होता है। इसीलिए कहता हूँ समय सबके लिए एक सा, सबके लिए समान, यानी सबको 24 घंटे ही दिए हैं, है ना? हाँ। इसीलिए कहता हूँ समय सबके लिए एक सा, समय सबके लिए एक सा, सबके लिए समान। विचारों और कर्मों से बनता अच्छा बुरा या महान, विचारों और कर्मों से बनता अच्छा बुरा या महान। धन्यवाद। Message was conveyed. We must think more about it. But Khushi, why every culture has its own dance form? Well, Vinika, first answer my question. Doesn't dancing make one blissful? Doesn't it free you from all the stress and tension? Yes, surely it does. India is a vast country with diversified culture, and all of them together sets a good example of unity in diversity. Unity is the strength, and diversity is the art of thinking independently together. Whenever there is teamwork and collaboration, wonderful things are achieved. But surely, life would be boring without diversity. But we must also remember that unity in diversity is better than unity in similarities. तरह तरह के फूलों को एक धागे में बांधकर एक माला बनाई जाती है। इस माला, एक धागा फूलों की अनेकता में अनेकता को एकता में बदलता है। हमारे देश में विविधता अनेक रूपों में देखने को मिलती है। हर प्रांत की एक अलग भाषा, वेशभूषा और खान पान है, और यह सब भारतीय संस्कृति के नाम के माला में पिरोए हुए हैं। Now I would like to call upon students of class 11 to add another star to this beautiful evening already full of stars. My proud privilege to deliver the vote of thanks on behalf of Petrochemicals Vidyalaya Nagothane. We extend our sincere thanks to Shri S.K. Malhotra for sparing his valuable time and obliging us with his gracious presence. At the same time, I extend my sincere thanks to Shri Avinash Shrikande sir, Site President RILNMD, Shri Chetan Walan sir, Chairman LMC, all LMC members and dignified parents for sparing their valuable time. Special thanks to Madam Malhotra for accompanying us for the program. I further extend my sincere thanks to all the students, teachers, volunteers, State Office, Security Department, Electrical Department, Horticulture Department, Transport Department, Civil Department, Reliance Foundation School, Nagothane, Fire Department, RGSS, Ankur Nursery, Officers Club, Employees Club, Ladies Club, Suresh Naik and Agencies, Lakshmi Photo Studio and numerous other departments for their support and guidance. Last but not the least, I extend my sincere thanks to each and every individual who is directly as well as indirectly associated with the success of today's program.
I wish you all very happy and prosperous Diwali. Thank you. Coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success. It was indeed a mantra of working together as a team, that is unity, that has brought us where we are today. Hope you all enjoy this journey. We wish you a very happy, prosperous and a safe day. We take your leave for today with the promise that we meet again after 365 days from now. Goodbye. I would request all of you to stand for Vande Mataram.